मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। तो मैंने शादी में जाने से पहले अपडेट दिया था कि मैं जितनी भी इस बार आउटफिट कस्टमाइज करने वाली हूँ वो पुरानी साड़ियों से करने वाली हूँ। इफ मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ एंड आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अपने पुराने कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करो, तो मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड मैं आप लोगों के साथ भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि आप अपने पुरानी साड़ियों को या फिर पुराने आउटफिट को बहुत तरीकों से रीयूज़ कर सकते हो। सो ये आई थिंक 4 या 5 पार्ट्स में आएगा क्योंकि हर एक आउटफिट की डिटेल मैं आपको अच्छे से शेयर करूंगी, एक साथ मैं लास्ट में एक वीडियो बना दूंगी। तो आज जो मैं ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये हम लोग में एक रिचुअल होता है जिसको मट्टी कोट बोलते हैं या मड़वा मटकोर भी बोलते हैं, जो यूपी बिहार से है उनको पता है। तो इसके लिए मैंने ये आउटफिट कस्टमाइज किया था। द मोमेंट व्हेन आई सॉ दिस साड़ी आई वाज लाइक कि मुझे ये क्रिएट करना है। सबसे पहले आप ये साड़ी देखो, इमेज मैं आपको लगा दे रही हूँ। ये लगभग आई थिंक 10 साल पुरानी मेरी साड़ी है और ये उस वक्त मैंने सिर्फ 400 रुपीस की साड़ी ली थी। मैंने क्यों डिसाइड करा कि इस साड़ी का मुझे एक आउटफिट बनाना है, फर्स्ट आप ये देखो इस साड़ी में बहुत ही सुंदर सा गोटा है एंड ये खुद मैंने अपने हाथों से किया था। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड तो ये बिल्कुल एक, अभी आप देखोगे ना गोटा बहुत ट्रेंड में है या राजस्थानी काइंड ऑफ जो पोशाक्स रहती है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी आप कस्टमाइज करते हो सबसे पहले थोड़ा ट्रेंड को आप देखो कि क्या ट्रेंड में है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ डिज़ाइन करो एंड टाइमलेस पीसेस डिज़ाइन करो जिसको आप एन नंबर ऑफ वे स्टाइल कर सकते हो। सेकेंडली ऐसा नहीं है कि उसने पहना इसलिए मुझे पहनना है, क्योंकि हर किसी का स्टाइलिंग जोनर अलग रहता है, हर किसी का कम्फर्ट जोन अलग रहता है। तो आपको लगता है कि जो आउटफिट आप बहुत अच्छे से कैरी कर पाओगे उसी को आप कस्टमाइज करो। आप ये देखो बहुत ही सिंपल सा, मतलब ये लहंगा बहुत इजी टू मेक होता है, इसमें कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो है 5.5 मीटर की रहती है, तो इसमें मैंने 3 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा कट किया था इस साड़ी को एंड कट करने के बाद में सिंपली मैंने इसका प्लीट डाल के लाइक चुन्नट डाल के मैंने एक स्कर्ट रेडी कर दी। ये प्रॉपर मैंने लहंगा काइंड भी नहीं बनाया है, इसका रीजन मैं आपको बाद में फिर और किसी वीडियो में, जब ये वीडियो के बाद में वो वीडियो फिल्म करूंगी तब आपको बताऊंगी। सो जो बेल्ट मैंने यूज़ करा है इस साड़ी से ही लेस मैंने जो निकाला था उसको ही मैंने ऐड करा। देखो जब आप साड़ियों को रीयूज़ करते हो आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने की उसमें मत कोशिश करो, या आप ट्राई करो कि जितनी आप बजट फ्रेंडली आप चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि फिर साड़ी को रीयूज़ करने का क्या मतलब बनता है। तो मुझे एडिशनल कुछ भी इसमें नहीं लगाना था, तो उसी का बॉर्डर मैंने जो था एज अ बेल्ट मैंने यूज़ करा एंड ये जो आप देख रहे हो ना बहुत ही होल वाइब्स, ऐसा लग रहा था ना बिल्कुल फेरी टेल वाली वाइब्स दे रही थी ये मुझे। और एक साड़ी का ही स्ट्रिंग बनाया, ये दो सुंदर से लटकन मैंने बनाए और किरण लेस, क्योंकि अगर आप राजस्थानी काइंड ऑफ कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो तो इस तरह की लेसेस इंस्टेंट उसको वो वाइब्स देती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके के लेसेस लगाए लाइक लटकन पैटर्न में बनाया। आप बोलोगे तो ये लटकन बहुत ईजी है बनाना, थोड़ा मेहनत लगता है बट बहुत ईजी टू मेक है, बना लोगे एंड बहुत रॉयल एंड ग्रैंड लगता है। एडिशनल मैंने कुछ भी इसमें लेसेस वगैरह ऐड नहीं किए हैं, इनफैक्ट मैंने लेसेस को कट भी नहीं किया था क्योंकि जो लंबाई मैंने कट करी थी लहंगे की वो ऊपर से कट करी थी। तो आप भी जब ऐसा करते हो ना तो जो बॉर्डर है आपके अगर साड़ी में तो आप हमेशा लंबाई को अप साइड से कट करें, जिससे आपको बॉर्डर को निकालने की झंझट नहीं रहेगी एंड आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा बॉर्डर को यूज़ करने में। सो ये मेरी साड़ी का ही बॉर्डर था, ट्रांसपेरेंट होती है अगर कॉटन की नहीं है या कोई और ऐसा स्टफ नहीं है, तो मैंने एक क्रेप फैब्रिक लिया। रीज़न मैंने इसमें कॉटन नहीं लगाया क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉटन का लाइनिंग लगाते हो लहंगा में तो वो चलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे जो स्टिचिंग वगैरह की है तो क्रेप फैब्रिक ऑप्ट रहता है, ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे हार्श नहीं रहता है एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा कम प्राइस ही लेते हो तो हमारे लोकल एरिया में 40 रुपीज़ मीटर ये फैब्रिक प्रोवाइड हो जाता है, मे बी एरिया टू एरिया ये डिफर हो। सो मैंने क्रेप का फैब्रिक लगाया। सो दिस इज द फाइनल आउटकम, सॉरी मेरा थोड़ा सा ऑटो फोकस का प्रॉब्लम है, आप मैनेज कर लेना। सो ये जो है स्कर्ट बिल्कुल होल इस तरीके की है। नाउ कमिंग बैक टू द ब्लाउज, की ब्लाउज मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर इमेज थी कि कभी कभी जब आप कोई आउटफिट क्रिएट करते हो ना यू हैव अ क्लियर इमेज इन योर माइंड कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो मेरा इमेज बहुत क्लियर था। सो आई हैव ब्लू बॉर्डर, आप देख रहे हो ब्लू बॉर्डर है, तो मुझे चाहिए था कि ब्लू एंड ऑरेंज की कॉम्बिनेशन में ही मुझे कुछ बनाना है, क्योंकि
ऐसा ना लगे कि मैंने जो ब्लाउज है वो किसी और का उठा के पहन लिया, दुपट्टा किसी और का उठा के पहन लिया। तो एक सिमेट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अलाइनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों में, चाहे आप वो घर का डेकोर कर रहे हो या फिर आप कपड़ों को डिज़ाइन कर रहे हो। मैंने बहुत मतलब इसको ढूंढने में लिटरली मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इस कपड़े को मैंने बहुत बहुत ढूंढा। सो मुझे एक ये कपड़ा मिला, आप ये देखो, ऐसा लग रहा था ना कि ये बिल्कुल सेम साड़ी से मैंने इसका ब्लाउज पीस निकाला है। तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे था कि मुझे ये कपड़ा लेना है। मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी तो वो सी वॉज लाइक कि दीदी अच्छा नहीं लगेगा, बट मैंने उसको बोला था कि नहीं ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये लिया और एक कोटा डोरिया का मुझे फैब्रिक मिल गया, ये देखो इस तरीके का ऑरेंज कलर का, जो ऑरेंज इस लहंगे में है। तो आप या तो इमेज आप अपने फ़ोन में लेके जाओ या फिर आप कपड़ा ही का एक टुकड़ा लेके जाओ, जिससे आप रख के देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सब्यसाची पैटर्न का ब्लाउज चाहिए था तो मैंने दो फैब्रिक, इसका भी रीज़न है क्योंकि मुझे दो फैब्रिक यूज़ करने थे। अगर मैं प्रिंसेस कट इसके साथ बनाती तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो जो ऑरेंज कलर था उसका मैंने चोली निकलवाया एंड जो बेल्ट पार्ट आप देख रहे हो ये मैंने मतलब ये बॉर्डर का जो ब्लू कलर था उसका निकलवाया। हैंड्स पे मैंने ब्लू कलर रखे क्योंकि आप ये देखो, एक टिप मैं और आपको देती हूँ कि यहाँ पे ऑरेंज बहुत ज़्यादा है एंड ब्लू का टिंट बहुत कम है। तो मैं चाहती थी कि ब्लू में जो है ब्लू ब्लाउज में थोड़ा उभर के आए, क्योंकि अगर मैं ऑरेंज का ही हिस्सा ज़्यादा डाल देती तो वो ज़्यादा दिखता। तो मुझे ब्लू थोड़ा ज़्यादा रखना था तो मैंने स्लीव्स अटैच करवाए एंड बैक में, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बैक में इस तरीके का ऑरेंज कलर का बैग डलवाया। और ये लेस आप देखो, ये सॉरी यहाँ से खुल गई है थोड़ी क्योंकि मोतियों की, इसको मुझे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा ब्लाउज को सुंदर बनाने के लिए मैंने जो बॉर्डर में यूज़ करा है, सॉरी दुपट्टे में यूज़ करा है, मैं आपको दिखाऊंगी, वो लेस पड़ी हुई थी तो मैंने गले में इस तरीके से लगा दिया। सो आप ही देखो, ब्लाउज बिल्कुल एक गेम चेंजर होता है, चाहे आप कोई भी आउटफिट पहनो। एंड लुक एट माय स्वेटिंग, सॉरी मैं इसी तरह पंखे के बिना सूट कर रही हूँ। इस तरीके से आप ब्लाउज बनवा सकते हो अगर आप एक आउटफिट को क्रिएट कर रहे हो। इसको मैं बहुत तरीकों से स्टाइल करके भी आपको दिखाऊंगी, जब थोड़ी सी फैमिली थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो स्टाइलिंग वीडियो करने में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि लिटरली स्टाइलिंग वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत लगती है, हर एक वीडियो से शूट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ी फैमिली और इंक्रीज हो जाए तो इस ब्लाउज को डेफिनेटली मैं आपको डिफरेंट वे में स्टाइल करके दिखाऊंगी। एंड बाय द वे, जो साड़ी मैंने पहन के रखी है दिस इज फ्रॉम मीसो, अगर इंटरेस्टेड हो हॉल चाह चुका है चेक करना। ये लहंगे का दुपट्टा आप हमेशा 2.5 मीटर का मतलब 2.5 मीटर का आप रखो, 2 मीटर में आपका जो लहंगे का दुपट्टा है ना वो कम हो जाएगा। अगर आपकी हाइट 5'3" है तो आप डेफिनेटली 2.5 मीटर रखो। सो ये दुपट्टा मैंने इसका बनवाया एंड मैंने बोला था कि मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना था। तो ये जो आप देख रहे हो मैंने स्क्रैच मार्केट से ही ढूंढ के निकाला था, 80 रुपीज़ में मुझे 10 मीटर मिले थे, तो जिसमें बहुत अभी भी लेस मेरे पास 1 मीटर लगभग बचा हुआ है। एंड ये मैंने 50 रुपीज़ में लिया था 10 मीटर, और ये जो लहंगे का मेरा बॉर्डर था वही मैंने इसमें लगाया। इसीलिए एक वीडियो को बनाने में भी 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, इसमें स्टाइलिंग पार्ट जाएगा। अगर मैं सारी ही आउटफिट को इंक्लूड करती तो आपको अच्छे से कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ये जो बॉर्डर बचा हुआ था ना लहंगे का, जो एक्स्ट्रा साड़ी से मैंने पार्ट निकाला था, यहाँ पे मैंने इस तरीके से देखो अरेंज कर दिया या अलाइन कर दिया, जिससे एक एक्स्ट्रा इफेक्ट एंड थोड़ा सा ग्रैंड लगे मेरा दुपट्टा। सो मुझे इसमें बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक चाहिए था तो इसलिए मैंने इस तरीके का लुक इसमें क्रिएट किया, या फिर इस तरीके की जो लेसेस है वो चूज़ करी। इस प्लेन है, मुझे दुपट्टे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। अगर आपको और ग्रैंड लुक चाहिए तो आप चारों कॉर्नर में लटकन लगा सकते हो, बीच में आप स्टोन्स चिपका सकते हो, आपकी बजट कितना है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। कि मुझे ये आउटफिट इतना अच्छा लगा एंड उस दिन मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले, लिटरली बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। मेरी मामी ने, मेरी पड़ोसी ने, मेरी सिस्टर ने, खुशबू ने खुद बोला कि दीदी मुझे ये साड़ी देख के लगा था कि क्या तुम फटीचर साड़ी का जो है ड्रेस बना रही हो, बट लिटरली ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो कपड़े कैसे हैं इससे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि आप किस तरीके से उसके अलाइनमेंट करते हो, आउटफिट बनाते हो, दिस इज टोटली अप टू यू। चलो जल्दी से इसका स्टाइलिंग पार्ट देखते हैं। Thank you.
हल्दी एंड मेहंदी का वहीं पे शूट करा था। तो आई होप आपको जो मेरी मेहनत है, क्योंकि मैं खुद से स्टिच करती हूँ, खुद से शूट करती हूँ, स्टाइलिंग पार्ट इट्स नॉट ईजी। तो अगर अब मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा है एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए एंड अपने फ्रेंड के साथ भी साझा करिए कि नहीं, पुराने साड़ियों से भी बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट बन सकते हैं। एंड आगे के जितने भी आउटफिट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इट्स अ चैलेंज की साड़ी से बिल्कुल नए आउटफिट मैंने क्रिएट किए हैं एंड कुछ के कटिंग एंड स्टिचिंग भी, क्योंकि आप हमेशा रिक्वेस्ट करते हो कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए, तो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मेरे पास ना कटिंग टेबल है ना कुछ है। फ्लोर पे रख के बड़ी बड़ी चीज़ों को कट करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने दो वीडियो शूट करा है, मैं ब्लॉग चैनल पे उसको शेयर करूंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कोई वीडियो को रिक्वेस्ट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू विश आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।